कपड़े तो मैंने डाल दिए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और आज मुझे लग रहा है एक भी कपड़ा नहीं सूखेगा, ना खरगोश का ना हमारा ही, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं है और एकदम हवा भी चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मौसम एकदम अंधेरा जैसे हुआ है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरे आप लोग को मैं देखूँ मैं तो आज का मौसम ऐसा हुआ है, मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने कपड़े डाल के आया, मैंने आप लोग को दिखाया भी लिया है। यहाँ पर मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। आज मैंने पहना है स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत ही, बारिश हो जाएगी लेकिन कोहरा भी हो रहा है, ठंड भी ज़्यादा लग रही है। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं सारे, तो यहाँ का भी सारा काम मेरा हो चुका है। तो वहाँ पे कोमल मोबाइल से अपनी पढ़ाई कर रही है चद्दर उड़ के, क्योंकि ठंड ही वैसा लग रहा है कि चद्दर उड़ना ही पड़ रहा है। तो मैंने आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वाला जो चद्दर मैंने लगाया था, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मम्मी बात कर रही हैं। तो यहाँ का मौसम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं धुआं धुआं दिख रहा है ना, कोहरा है पो, अब बदरी एकदम। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है, अभी खाना हम लोग खाएंगे। अभी मेरे हस्बैंड मेरे गए हैं मड़ियाओं कुछ काम से मार्केट करने, तो अभी वो आएंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे। और अभी मैं छत पर से आ रही हूँ, मैंने अपना जो वीडियो है अभी एडिट करके मैंने डाल दिया है, तो मैं छत पे ही जाके डालती हूँ ताकि जल्दी से चला जाए। और मौसम भी ख़राब है यहाँ का, तो पता नहीं नेटवर्क मतलब नेट चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए मैं छत पे चली जाती हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके मेरी वीडियो चली जाए। लेकिन तो भी अभी 1:30 बज रहे हैं, अभी जा मेरी वीडियो गई है तब मैं नीचे आई हूँ। तो मैंने सोचा दूसरी वीडियो में स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ डालती ही रहती हूँ कि मुझे छोटी सी भी वीडियो जाए लेकिन जाए, लेकिन आप लोग ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते आप लोग। जहाँ पे मेरी वीडियो रुकी है अब तो बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए, देखा करिए और शेयर भी करा करिए, ताकि मेरी जो वीडियो है थोड़ा आगे जाए, थोड़ा देखने वाले लोग का जो संख्या है वो बढ़े। तो प्लीज़ आप लोग देखा करिए और शेयर भी करा करिए। शाम हो चुकी है, मैं शाम को भी आई हूँ कपड़ा उतारने। यहाँ का मौसम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरीके से हुआ है, इतनी ठंड बढ़ गई है। गोलू क्या कर रही है? कपड़ा नहीं सूखा फ्रेंड्स। कोमल का यहाँ पे मैंने टोपी भी धो दिया था, बिल्कुल भी नहीं सूखा है। आज ऐसा मौसम हुआ है, सुबह से ही ऐसा लग रहा है जैसे बारिश अभी ही हो जाएगी। तो जो भी कपड़े गीले हैं वो चल रही हूँ मैं नीचे डाल दूँगी, वही गीले हैं।
तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। और यहाँ का मौसम तो मैंने आप लोग को दिखा दिया कितना है, देख रहे हैं कोहरा, अभी से ही कोहरा, आज सुबह से ही कोहरा दिख रहा था, जैसे लग रहा है अभी कोहरा है। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना कोहरा है, वो सूरज डूब रहे हैं, लेकिन सूरज भी रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि धूप हो रही है। तो यहाँ पे छत पे से आने के बाद मैंने सारे गीले कपड़े डाल दिए हैं और चाय पी लिया है। तो यहाँ फिर से मैं जा रही हूँ छत पे, तो मम्मी ने आज बच्चे लोग की जिद पे बनाया है, बनाएंगे लिट्टी और साग। तो साग रहेगा बथुआ का और लिट्टी रहेगा जो मक्का आता है उसके आटे का। तो यहाँ पे कोई भी तैयारी नहीं करी गई थी, यहाँ पे कढ़ाई तक हमने धो के नहीं रखा था, लेकिन बच्चे लोग के कहने पे मम्मी ने कहा चलो ना बना लेते हैं, और हमारे पास टाइम भी नहीं था उतना कि हम उतना जल्दी जल्दी कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो गिट्टी आती वो ले लिया था, मम्मी ने कहा रगड़ दोगी तो छूट जाएगा, फिर नीचे से काथा लेके आया और साबुन लेके आया, अब उसको मैंने अच्छे से धो के मम्मी को सारा सामान दे दिया ताकि मम्मी लिट्टी बनाते रहे। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई धो के ले आऊँगी। तो मैंने नीचे से ही सारा सामान लाया था, मिर्चा, नमक, हल्दी, जो भी चीज़ें थी सारी मैंने नीचे से ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई धोने बैठ गई हूँ, मम्मी ने कहा कि अच्छे से रगड़ दोगी तो वो पूरा जो भी इसमें मिर्चा है वो छूट जाएगा। तो लोहे की कढ़ाई आप कितनी भी घस के रखेंगे ना तो भी उसी तरीके से गंदा हो ही जाता है, जैसे मुर्चा लग ही जाता है। अगर तेल लगा के रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हमने वैसे ही रख दिया था क्योंकि वैसे जल्दी बन नहीं पाता, हम लोग कभी जल्दी चूल्हे पे खाना हम लोग बनाते ही नहीं हैं, इसी तरीके से रखा रहता है। तो ये जो चूल्हा है लोहे का है, तो अगर हम कभी मन किया तो हम ऐसे बना सकते थे, नीचे के लिए ही आया था, लेकिन नीचे हमने किचन बनवा दिया तो इसके लिए अब हम वहाँ पे चूल्हा नहीं जलाते हैं क्योंकि घर भी मतलब काला हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी लिट्टी बनाना स्टार्ट कर दी थी और हमको बनाते बनाते इतना अंधेरा हो गया था कि मैंने ही कहा कि मम्मी ऐसा करते हैं साग में यहीं काट लेती हूँ, तुम आप यहाँ पे लिट्टी बना दो और फिर हम नीचे चल के साग मैं बना लूँगी। वैसे मम्मी ही बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं रहने दो मम्मी, चलो नीचे चलते हैं, अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो यहाँ पे साग तो मैंने काट लिया और यहाँ पे आप लोग अंधेरा देख सकते हैं, तो मैंने सोचा कि साग भी यहीं पर बन जाता तो ठीक रहता, लेकिन अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया था और फिर हमें नीचे आना पड़ा। और मैंने नीचे आने के बाद साग को छौंका है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम आ गए थे नीचे, तो मैंने अच्छे से साग को धो लिया है। तो यहाँ पे गैस मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है, उसमें साग हम डाल देंगे। तो सिर्फ कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हमें साग डालना है इसमें और इस तरीके से ढक देना है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कढ़ाई भर गई है, लेकिन जैसे ही ये पानी छोड़ने लगेगा थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं चाय गर्म करने जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इतना गर्म है, तो भी मेरे घर में सबको और गर्म चाहिए क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि मम्मी कहती है कि उसमें लगता है तुम्हें कि गर्म है धुएं की वजह से, लेकिन वो गर्म रहता नहीं, तुम गर्म कर दो। तो मैं यहाँ पे चाय गर्म करके और मम्मी को दे दूँगी, यहाँ पे हमारा जो साग है वो भी हो जाएगा और चाय भी मैं पी लूँगी। तो ये साग में है बथुआ, चने का साग और जो सरसों का साग आता है वो है, ये तीनों मिक्स करके इसमें बनाया जाता है। तो यहाँ पे चाय हमारा गर्म हो गया है, तो मैं चल रही हूँ मम्मी लोग को चाय दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी और फिर हमारा तब तक साग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साग कितना पानी छोड़ा है, साग हमारा हो चुका है, वो पानी हमें जलाना नहीं है, हमें इसे छान के निकाल लेना है, फिर इसे अच्छे से गार लेना है। यहाँ पे साग हमारा हो चुका है, मैंने थाली में इसे पलट दिया है, तो इसे हमें अच्छे से ठंडा करके और फिर इसे गार लेना है, इसमें का जितना भी पानी है हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने उसे गार के उसका पानी निकाल दिया। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी, उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है और
मिर्चा लहसुन और प्याज जो मैंने कट किया था वो सारी चीज़ें इसमें डाल दिया है। तो मैं प्याज भी डालती हूँ, लहसुन भी डालती हूँ, सूखी मिर्ची भी डालती हूँ और हरी मिर्ची भी डालती हूँ। दोनों ही चीज़ से मैं छौंक लगाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से लाल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साग भी डाल के इसे अच्छे से चला लूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इससे लिट्टी बहुत अच्छा लगता है। तो साग हमारा बनके रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं नीचे कितने अच्छे से लाल हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसका जितना पानी हम सुखा लेंगे उतनी ही अच्छी हमारी साग बनेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लिट्टी और साग बन के रेडी हो गया है। तो मैंने बहुत जल्दी जल्द बनाया, तो लिट्टी हमने छत पे बनाया और सब्जी हमने नीचे ही बना ली है। साग क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था तो मम्मी ने कहा चलिए नीचे चलते हैं। मैंने ही कहा कि मम्मी नीचे चलते हैं क्योंकि मम्मी की आँख से अंधेरे में नहीं दिखेगा। तो हम कहे कि साग मैं छौंक दूंगी नीचे, लिट्टी तुम बना दो। तो यहाँ पर मम्मी ने लिट्टी बना दिया और मैंने साग बना लिया। तो आइए आप लोग भी गर्म गर्म खा लेते हैं। अब चल रही हूँ मैं यहाँ पे सारे बर्तन धोने, चाय के यहाँ पे सारे काम पड़े हुए हैं इसी तरीके से। तो मैंने सोचा मैं छत पे से आने के बाद पहले मैं साग छौंक देती हूँ क्योंकि बच्चे लोग कभी से मैंने बना लिया है और वो लोग ने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा बना है। आ जाओ, मेरे हस्बैंड आए थे, वो भी देखने आए थे साग लिट्टी बन गया कि नहीं। तो अब चल रही मैं खरगोश का कपड़ा चेंज करने क्योंकि आज सुबह से मैं धूप में भी नहीं लगी थी। आज धूप ही नहीं हुआ, इतना मौसम ख़राब था यहाँ का। मम्मी कह रही रात में शायद बारिश भी हो सकती है। तो मैं चल रही हूँ खरगोश का कपड़ा चेंज करने। तो क्या मैं तो यहाँ पे साग उग बनाने के बाद मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ खरगोश की डोलची दोनों लोग की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टमाटर मैंने ऊपर करके रख दिया था, तो ये जो मिन्नी है उसने क्या किया, आलू मैंने नीचे कर दिया था। तो आलू ये लोग खाते हैं तो 2-3 दिन से वो थैली में करके रखा है, तो भी वो थैली में से निकाल के आलू और खाती है। और ये लोग को जब मैं निकालती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना खिलाऊँ ये लोग को, इस तरीके से लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे ये चोरनी आलू ढूंढ रही है और फिर थैली में देख के आया इसने कि हाँ आलू है वहाँ पे। लेकिन हम लोग इसकी वीडियो ले रहे थे ना तो ये ले नहीं रही थी, उठा नहीं रही थी। और जैसे हम लोग ने इधर किया नज़र तो आप लोग देख सकते हैं एक आलू निकाल के ये खाना स्टार्ट कर दिए, एक नीचे रखा है और फिर दूसरा निकाल रही। तो जब हमने डोलची हटाया यहाँ पर से तो देखा तो आलू, ये छोटा वाला बच्चा आप लोग देख सकते हैं भाग रहा है यहाँ से वहाँ। अब हम इसे कमल में ही रखते थे लेकिन वो अब रहेंगे नहीं, बच्चे इस तरीके से भागने लगते हैं जब मैं डोलची साफ करने के लिए निकालती। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम लोग ने टोकरी हटाया सब्जी की स्टैंड, वैसे ही देखा तो आलू ये छुपा के रखी थी और खा भी रही थी। तो इस ब्लॉग को हम अभी यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल में है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको मेरे खरगोश के बच्चे कैसे लगते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ से वो मेरी साड़ी है, मैंने स्वेटर पहना है ना, स्वेटर की वजह से ऊपर नाखून धंसा के चढ़ गया। तो वही गोलू कह रही मम्मी आपके पीठ पर चढ़ गया, हम क्या मेरे बच्चे हैं तो पीठ पर ही ना चढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो गई। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।